बुधवार को वार्ड 39 की पार्षद एवं निगम भिलाई की एमआईसी मेंबर रीता सिंह गिरा सिस्कॉल कंपनी पहुंची और विगत 1.5 माह पहले कंपनी में दुर्घटना का शिकार हुए एक कर्मचारी को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपए का चेक प्रदान करवाया। बीते 1.5 माह पहले सिस्कॉन कंपनी में एक कर्मचारी की दुर्घटना हुई थी, जिसमें उसके पैरों में गंभीर चोटें आई थी और कंपनी प्रबंधन द्वारा उसका इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया जा रहा था। परंतु 1.5 माह से इस कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसे कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति बिगड़ने लगी और तब कर्मचारी की धर्मपत्नी ने अपने वार्ड पार्षद और एमआईसी सदस्य रीता सिंह गेरा से संपर्क कर अपनी यथास्थिति बताई, जिस पर रीता सिंह गेरा ने कंपनी पहुंचकर प्रबंधन से बातचीत की। इस दौरान वह धरने पर भी बैठ गई और प्रबंधन से लंबी बातचीत के बाद पीड़ित कर्मचारी को उसका हक दिलाने में सफल रही। रीता सिंह गेरा महिला सशक्तिकरण टीम की संयोजिका भी है, जिसके चलते महिलाओं की पीड़ा बखूबी समझती हैं और पीड़ित कर्मचारी की पत्नी की पीड़ा समझकर वह पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने सिस्कॉन प्रबंधन से मुआवजा दिलाने के लिए भिड़ गई और अंततः कंपनी प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 3 लाख रुपए का चेक पीड़ित को सौंपा। साथ ही उसके स्वस्थ हो जाने पर उसकी नौकरी यथावत रखने का आश्वासन भी दिया। अरे जो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, उनका बिल्कुल ठीक ठाक रहे, सेफ रहे। उसके बीच तो आपको बताना हो तो बताते हैं, उनको बताते हैं ना, पुलिस में है, यही तो बात का झगड़ा हो रहा है। पुलिस को भी जो बातों में आपसे तर्क नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे वर्कर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके वर्कर ही आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, उनके बीच में आपसे जो है सहमत नहीं हूँ उस बात पे। हमारे वर्कर हमारा सबसे बड़ा धन है, उन्हीं के कारण कंपनी बात कही है, उनकी बात सुनी है। वो तो पैसे दिलाने के लिए लड़ रहे हैं मैडम, तो और उसमें क्या करना है? उनका इलाज करवा रहे हैं, उनको मान के खर्चे पूरा करेंगे, उनका जिनका है और जो उनका और जो भी उनको चाहिए सोर्स नहीं लगा रहे। देखिए देखिए, कोई जनप्रतिनिधि है, क्या जन कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे। शहर शहर की सरकार, चाहे वो महापौर जी हो चाहे विधायक जी हो, उन लोगों का हर जैसे जन एक एक नागरिक को यहाँ पे सपोर्ट है, वैसी वो सब किसी भी सच्ची चीज का सपोर्ट करते हैं। अगर हम गलत होंगे तो मुझे मालूम है कि आज के तारीख में देवेंद्र यादव जी हो चाहे नीरज पाल जी हो चाहे एकांश बंचोर जी हो चाहे जनप्रतिनिधि, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हम गलत होंगे तो ये सपोर्ट हमको नहीं करेंगे, ना वो किसी को सपोर्ट करेंगे। अगर अगर हम सही होंगे तो वो हमको सपोर्ट करेंगे, अगर ये सही होंगे तो इनको सपोर्ट। सब जानकारी है ना, आप देखिए ना, चेक तो करिए, आप चेक करिए ना पहले, आप दिखवाइए। हाँ चलिए, आप देखिए। इस पूरे मामले की जानकारी महिला सशक्तिकरण टीम की संयोजिका एवं वार्ड 39 की पार्षद सहित एमआईसी सदस्य रीता सिंह गिरा ने मीडिया को दी है। जनप्रतिनिधि है, थाने तक पहले बात को पहुंचाना, हमें पुलिस फोर्स दी जाए तो हमें पुलिस फोर्स थी वहां से तैनात करके दी गई। हम आए, हमने इनसे बात की, इन्होंने हमको थोड़ा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने अपनी बात रखी और अपनी बात को मनवाने के लिए हम धरने पर बैठ गए तो उसके बाद इन लोगों ने सुनवाई की, तो बाद में इनके जो मालिक हैं वो आए, रवि उपल जी, उन्होंने 3 लाख का चेक दिया और मैं इससे संतुष्ट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कंपनी में आइंदा इस टाइप से ना हो किसी वर्कर के साथ, सभी वर्कर के साथ न्याय हो, कोई भी वर्कर हो, चाहे वो गार्ड हो चाहे वो कर्मचारी हो, इनके पास कोई यूनियन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और इस टाइप से कितने लोगों के साथ गलत होता होगा, आप सोचिए। पीड़ित की पोजीशन ऐसी है कि सर उनकी पोजीशन तो उनको हाईटेक से भेज दिया गया 3 दिन रख के, ना उसमें कोई पुलिस कार्रवाई की गई ना कोई रिपोर्ट की गई, जिससे आधार हमको वही मिला कि कार्रवाई मतलब थोड़ा पुलिस के पास जब तक कंप्लेंट नहीं जाएगी तो कार्रवाई कैसे होगी, पुलिस को तो पता ही नहीं है, इसमें प्रशासन को पता कैसे रहेगा। तो गलती इसमें पूरी कंपनी की थी, कंपनी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनको न्याय मिला और मैं उससे संतुष्ट हूँ कि 3 लाख का मुआवजा दिया गया और बहुत ही अच्छा दिया कंपनी ने, और आगे भी अपने कर्मचारियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार रखें, मैं ये चाहती हूँ किसी के साथ गलत ना हो। देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती नजर आती है, जहाँ 1.5 माह के इंतजार के बाद पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के बाद यथावत नौकरी पर बहाली का आश्वासन मिलता है, जिससे पीड़ित परिवार के चेहरे पर खुशियां दिखाई दे रही हैं। वहीं रीता सिंह गेरा भी पीड़ित परिवार को मिली खुशियों को देखकर काफी सुकून महसूस कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।